हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आए हैं लिमिट के अपने अगले प्रॉब्लम सेट पे। अब आपके सामने फाइव प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। ये फाइव प्रॉब्लम्स थोड़े अच्छे लेवल की हैं, एडवांस लेवल या उससे ऊपर के लेवल की हम इसे बोल सकते हैं, ठीक। तो आप पहले इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करें और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन आप चेक करिएगा। मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है लिमिट का, ये कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई माइनस वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स अपॉन एक्स। एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये है वन की पावर इन्फिनेटिव और इसकी वैल्यू कितनी होती है ई। तो ई माइनस ई कितना हो गया जीरो और ये कितना हो गया जीरो। तो कौन सी फॉर्म हो गई, जीरो अपॉन जीरो टाइप की ये इंडिटरमिनेंसी हो गई। अब जीरो या जीरो अपॉन जीरो टाइप की इंडिटरमिनेंसी हो गई तो इसको कैसे सॉल्व करें भाई। सबसे मेन हर्डल है ये वन प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स को हमें आखिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको लिखते हैं e माइनस e की पावर 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स। e माइनस 1 भाई मैंने e की पावर ln 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स मेरे पास यहां पर आ गया, ठीक बात। अब ln 1 प्लस एक्स का मैं एक्सपेंशन जानता हूं कि भाई ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ln 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन को मैं यहां लिख देता हूं। तो e माइनस e की पावर क्या होगा, ये हमारे पास 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री ब्ला 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 एंड सो ऑन। शायद हमें उसकी जरूरत ना पड़े आगे वालों की, ठीक है। अब यहां पे 1 बाई एक्स कैंसिल आउट करा तो ये x कैंसिल आउट हो गया, ये यहां पे कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से e की पावर 1 कॉमन आ गया। e की पावर 1 कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 माइनस e की पावर माइनस x बाई टू। क्या बचा, माइनस x बाई टू अपॉन x, ठीक बात, कि हमारे पास ये बचा, यस और नो। अब ये जो हमारे पास बचा इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कि माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया e की पावर माइनस x बाई टू माइनस 1। अब e की पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस वन, इसका वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू से नीचे मल्टीप्लाई, कि माइनस एक्स बाई टू बनाया, ठीक, और माइनस वन बाई टू से नीचे मल्टीप्लाई मतलब एक तरीके से, तो यहाँ माइनस टू से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक बात। अब e की पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन माइनस एक्स बाई टू, इसकी वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे कितनी होगी, 1, और हमारे पास आंसर कितना जाएगा, e माइनस e अपॉन माइनस टू, दैट विल बी e बाई टू, कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी e बाई टू, कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, e बाई टू है, ठीक बात। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। भाई सेकेंड क्या है, साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। मैं फर्स्ट को हटा देता हूँ अब, ठीक, हाँ। अब सेकंड की बात करते हैं, साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x। अब देखो साइन x या टेन x होता तो एक्सपेंशन हम लगा सकते थे आराम से, अब ना तो साइन x है ना टेन x है, हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x। तो इसको हम करें कैसे, अब इसको करने के लिए जो साइन इनवर्स x है, इस साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो हम इसे लिख पाएंगे टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं इसे, ठीक बात। अब यहां पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का हमने फॉर्मूला लगा दिया। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हुआ, कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स अपॉन इसके अंदर ही आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, और 1 प्लस एक्स वाई कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये पूरा किसके अंदर है, टेन इनवर्स के अंदर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक बात। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ऊपर वाले को तो ये जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये हमारे पास कितना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, अपॉन एक्स क्यू। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये टेन इनवर्स के अंदर वाला एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। तो टेन इनवर्स एफ एक्स, एफ एक्स से डिवाइड करेंगे, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेन इनवर्स एफ एक्स एक तरीके से क्या रहने वाला है, एफ एक्स, कि भाई ये एफ एक्स ही बचेगा, इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, और टेन इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स को क्या लिखा, वन, तो बचा किया ये एफ एक्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई हमारे पास एक एक्स तो कट गया, नीचे एक्स स्क्वायर बचा, अब यहां पे वन माइनस बचा क्या ऊपर, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो इसका मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और नीचे मेरे पास क्या है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये है मेरे पास। अब इस वन से वन कैंसिल आउट हो गया, ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ माइनस हाफ कितना हो गया, प्लस हाफ, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये कहां जा रहा है, वन, तो आंसर ऑफ दिस विल बी प्लस हाफ, कि इस लिमिट का आंसर हमारे पास कितना है, वन बाई टू। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब, हमें ये देखना था, तो मैंने साइन इनवर्स का क्या करा, सबसे पहले टेन इनवर्स में चेंज कर लिया, टेन इनवर्स में चेंज करने के बाद टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला लगा दिया, उसको थोड़ा समेटा तो ये आ गया टेन इनवर्स ऑफ दिस। अब टेन इनवर्स ऑफ दिस मेरे पास ये आ गया, तो मैं इस एफ एक्स से डिवाइड करता मल्टीप्लाई करता, क्योंकि ये जीरो की ओर जा रहा है, और टेन इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स को क्या लिखता, वन, तो बचता तो अल्टीमेटली एफ एक्स, तो मैंने टेन इनवर्स उड़ा दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करा, बायनोमियल यहां लगा दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, वन बाई टू, कि वन बाई टू बी द आंसर ऑफ दिस लिमिट। ठीक बात, चलिए प्रॉब्लम नंबर थ्री की बात करते हैं, कि भाई प्रॉब्लम नंबर थ्री हमारे पास क्या है। अब प्रॉब्लम नंबर थ्री की बात करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर थ्री क्या है हमारे पास। ठीक, जैसे प्रॉब्लम नंबर थ्री में हमें लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर, तो कौन सी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव हमें कितना दे रखा है, फोर, भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें कितना दे रखा है, फोर, सही बात। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव हमें फोर दे रखा है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम रेशनलाइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज। तो इस पूरे को रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव, इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर फोर प्लस ए एक्स क्यूब ब्ला 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 जो भी है, प्लस अंडर रूट एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब ब्ला ब्ला जो भी है, कि इसके कॉन्जुगेट मतलब दिस प्लस दिस से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, और इसी से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक बात, और माइनस बी स्क्वायर कितना है, x की पावर 4 प्लस टू एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ठीक, ये हमारे पास बी एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब यहां पे एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर कट गया, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर कट गया, अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो नीचे इन्फिनिटी पे डोमिनेटिंग टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, भाई नीचे डोमिनेटिंग टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, भाई x की पावर 4 का अंडर रूट एक तरीके से क्या है, नीचे डोमिनेटिंग टर्म एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट या आने के लिए जो नीचे ऑर्डर है वही ऊपर ऑर्डर होना चाहिए, भाई नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से अगर ज़्यादा है तो वो गायब होनी चाहिए। ठीक, अब देखो ऊपर देखो ए एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब आ रहा है, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशियंट कितना आ रहा है, ए माइनस टू, तो ए माइनस टू का शून्य होना जरूरी है इस लिमिट की वैल्यू फोर आने के लिए, तो ए का कितना होना चाहिए, टू, ए टू हो गया तो ये कट गया, ए टू हो गया तो ये कट गया, अब ए टू होने के बाद ये कट गया, व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, थ्री माइनस ऑफ माइनस बी थ्री प्लस बी, थ्री माइनस ऑफ माइनस बी थ्री प्लस बी, और नीचे कितना है, वन प्लस वन टू, सो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी थ्री प्लस बी अपॉन टू,
सही बात, समझे नहीं समझे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 3 प्लस बी अपॉन 2, और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 4. सो 3 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज 5. तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 5. ठीक बात. चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की. प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? ठीक, अब प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए अपने पास क्या है. व्हाट इज दिस प्रॉब्लम नंबर 4? कि प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4 में लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 2 है. ठीक, कोई कहे कि सर एन इन्फिनिटी पे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब जीरो, तो जीरो आंसर आ गया. ना, जीरो 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 तो है, अगर हम सिर्फ इसे देखें तो ये जीरो की ओर जा रहा है, पक्की बात है. सिर्फ इसे देखें तो ये जीरो की ओर जा रहा है, सिर्फ अगली वाले को देखें जीरो, सिर्फ इसे देखें जीरो की ओर जा रहा है. लेकिन लेकिन जीरो कितने हैं? इनफाइनाइट. जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस इनफाइनाइट जीरो, फाइनाइट नहीं है. तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं बोली जा सकती. अगर वो फाइनाइट जीरोस का सम होता तो हम बोलते थे जीरो, बट दिस आर इनफाइनाइट जीरोस, दिस आर इनफाइनाइट जीरोस, तो हम इसकी वैल्यू को जीरो नहीं बोल सकते. अब इस क्वेश्चन को करें कैसे? भाई बात ही आती है कि सर चलो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई है, लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे है? इस क्वेश्चन को हम करेंगे सैंडविच थ्योरम से. सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे? भाई वन अपॉन रूट एन स्क्वायर जो है, वन अपॉन रूट एन स्क्वायर के बारे में क्या हम ये लिख सकते हैं, या फिर रूट एन स्क्वायर के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि रूट एन स्क्वायर से बड़ा होगा और रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन से छोटा होगा, ऐसा लिख सकते हैं. भाई इन तीनों में ये सबसे बड़ा है रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन, और ये बराबर है तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है. ठीक, अब इनका अगर रेसिप्रोकल किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज. तो वन अपॉन रूट एन स्क्वायर, वन अपॉन रूट एन स्क्वायर, और ये हो गया वन अपॉन रूट एन स्क्वायर, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दिया हमने? चेंज. इसका मतलब वन अपॉन रूट एन स्क्वायर इससे छोटा है और इससे बड़ा है. सही बात. इसी तरह मैं अगर इसमें आगे बोलता कि भाई एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर से बड़ा है और एन स्क्वायर प्लस टू एन से छोटा है, कोई गलत बात थी क्या? नहीं. अब ये इसके बड़ा है इससे छोटा है तो रूट में भी यही इनइक्वालिटी रहती, और हम रेसिप्रोकल करते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता? चेंज. कि वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस वन वन अपॉन रूट एन स्क्वायर से छोटा है, ठीक, और वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन से बड़ा है. चमका नहीं चमका? अरे चमका ना, कि क्या है हमारे पास. इसी तरह हम आगे देखें, वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस टू, ठीक, ये भी वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन से बड़ा है और वन अपॉन रूट एन स्क्वायर से छोटा है. इसी तरह करते करते वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन से बड़ा है और वन अपॉन रूट एन स्क्वायर से ये छोटा है. सही बात. हम ऐसा करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं. इन सबको हमने ऐड किया तो जीरो से लेके टू एन तक गए तो कितनी टर्म्स हो गई? टू एन प्लस वन. तो टू एन प्लस वन टाइम्स ही आ रहा है, तो टू एन प्लस वन अपॉन रूट एन स्क्वायर. सही. इन सब का सम जो हमें निकालना है, मान लो ये एफ एन है तो इन सब का सम ये बीच वाला क्या हो गया? एफ एन. मान लो ये पूरा फंक्शन जो है ये एफ एन है, ठीक, जिस पे हम लिमिट लगा रहे हैं, तो बीच में क्या आ गया? एफ एन आ गया. सही. और ये क्या हो गया? टू एन प्लस वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन, टू एन प्लस वन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस टू एन, हमारे पास ये हो गया. सही बात. यहाँ तक बात दुरुस्त है एकदम. अब यहाँ तक बात दुरुस्त है, अब सैंडविच थ्योरम याद करो. लास्ट लेक्चर में पढ़ाई है सैंडविच थ्योरम मैंने, कि भाई हमारे पास सैंडविच थ्योरम क्या है. अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इन दो फंक्शंस के बीच में है. अब एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट कितनी होगी? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के हिसाब से 2. और इसकी भी लिमिट, भाई हाईएस्ट कोफिशियंट है एन की पावर 1, यहाँ पे भी हाईएस्ट क्या है? एन की पावर 1. ऊपर कोफिशियंट है 2, नीचे है 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2. एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2. इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो सैंडविच थ्योरम के हिसाब से बीच वाले की वैल्यू कितनी है? 2. सो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी 2. कि इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी.
सही, तो ये हमारे पास थी प्रॉब्लम नंबर 4। कैसी लगी ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देना। सही, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। अब प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की, कि भी प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है हमारे पास। ठीक, मैं इसे हटा देता हूँ कि भी प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 5 है कि x टेंडिंग टू पाई बाय 2, इतनी भयंकर प्रॉब्लम, साइन x माइनस साइन x की पावर साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस एल एन साइन x है, और x टेंडिंग टू पाई बाय 2 पे साइन x कहाँ जा रहा है? 1 की ओर। x टेंडिंग टू पाई बाय 2 पे साइन x कहाँ जा रहा है? 1 की ओर। ठीक, अब हम इसमें क्या करें, इसमें हम ऐसा करते हैं साइन x को लिख देते हैं 1 प्लस एच, भाई बार बार साइन x आ रहा है ना, तो साइन x को मैंने 1 प्लस एच लिख दिया। अब साइन x को मैंने 1 प्लस एच लिख दिया, x पाई बाय 2 की ओर है तो h कहाँ जा रहा है? 0 की ओर। भाई x पाई बाय 2 की ओर है तो ये कहाँ जा रहा है? 1 की ओर। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो h कहाँ जाएगा? 0 की ओर। h कहाँ जाएगा? 0 की ओर। सही बात, तो हमने साइन x को 1 प्लस एच सब्स्टिट्यूट किया तो उससे लिमिट क्या हो गई? h टेंडिंग टू 0। अब ये 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा बताओ एक बार? ये होगा 0 प्लस हो गया तो साइन 1 से बड़ा हो जाएगा, जबकि साइन 1 से बड़ा नहीं होता, तो एक तरीके से ये 0 माइनस है। खैर मेरे ख्याल से उससे क्वेश्चन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने ये बताने के लिए है कि भाई 0 ये क्या है? माइनस है। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसको रखा, साइन एक्स को 1 प्लस एच हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्लस एच की पावर 1 प्लस एच, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ई की पावर 1 प्लस एच इंटू एल एन 1 प्लस एच, ठीक, अपॉन, ठीक बात, इसको क्या लिखा? 1 माइनस 1 प्लस एच, ठीक, और माइनस एल एन प्लस एल एन 1 प्लस एच। पहले इस डिनोमिनेटर को निपटाते हैं, 1 से 1 गया, सही बात। अब डिनोमिनेटर को अगर हम देखें ध्यान से तो ये हो गया माइनस एच, ठीक, प्लस एल एन 1 प्लस एच क्या होगा? एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे आ गया माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, और h कहाँ जा रहा है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 की ओर। इसका मतलब जो हमें आंसर देगा वो कौन देगा? h स्क्वायर। हमें आंसर कौन देने वाला है? h स्क्वायर, कि भाई h स्क्वायर हमें आंसर देने वाला है। अब माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 है तो ऊपर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो h स्क्वायर से ही आएगा, तो 1 प्लस एच तो हमने ऐसे लिखा, 1 प्लस एच का तो हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस ई की पावर 1 प्लस एच, ठीक, एल एन 1 प्लस एच का हमने एक्सपेंशन लिख दिया, और एल एन 1 प्लस एच का एक्सपेंशन इस तरह लिखा कि भाई एच स्क्वायर तक की सारी टर्म आ जाए हमारे पास, कोई छूटे ना, तो एल एन 1 प्लस एच का एक्सपेंशन क्या होगा? एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच क्यूब आएगा, एच क्यूब का मेरे ख्याल से कोई रोल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? एच क्यूब है नहीं अपने पास, तो ये हो गया 1 प्लस दिस 1 प्लस ये हमारे पास हो गया। ठीक बात, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस एच माइनस ई की पावर, ठीक, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ई की पावर एच, ठीक भाई एच इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2, भाई प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 ये हमारे पास कितना होगा? प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 2, ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो वो हमारे पास क्या मिलेगा? एच क्यूब, और एच क्यूब का हमारे पास कोई रोल नहीं है, तो ये आ गया एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2 अपॉन माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया कि भाई इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस एच माइनस, इसका एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा e की पावर समथिंग, e की पावर x का एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करें, इसका एक्सपेंशन हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस x, x क्या है? h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2, x क्या है? h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, प्लस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आगे क्यूब वाला करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी।
अपॉन माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू। सही जी, यहां तक सही है। अब वन से वन कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब यहां पे हमारे पास माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू यहां से है और एच स्क्वायर अपॉन टू यहां से आएगा, तो एच स्क्वायर अपॉन टू प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू कितना हो गया, एच स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ऊपर आ गया माइनस एच स्क्वायर अपॉन, भाई आगे वाली हायर पावर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एच स्क्वायर बाई टू, माइनस से माइनस उड़ा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर उड़ा, तो वन अपॉन वन बाई टू द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी टू। सही बात, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, सही बात। देखो हमने यहाँ पे एक्सपेंशन में ध्यान क्या रखा कि भाई नीचे एच स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर भी एच स्क्वायर की सारी टर्म आनी चाहिए। अगर हमारे से एच स्क्वायर की कोई भी एक टर्म छूट गई तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि वही आंसर देने वाला है। तो एच स्क्वायर की सारी टर्म होनी चाहिए, बस हमने इस बात का इस लिमिट को सॉल्व करने में ध्यान रखा। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों की पांचों प्रॉब्लम बहुत ही शानदार तूफानी हैं। सही बात, आपको करके लग भी गया होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम कैसी हैं, बिल्कुल शानदार और तूफानी वाली हैं। सही बात, ऐसा नहीं है कि एडवांस में टफ ही प्रॉब्लम तूफानी पूछे जाते हैं, एडवांस में आसान भी पूछे जाते हैं, एडवांस में थोड़े टफ भी पूछे जाते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें तो हर चीज़ से तैयार रहना है, आसान के लिए भी और टफ के लिए भी। तो बच्चों ये हमारे पास लिमिट की कुछ प्रॉब्लम और थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको लिमिट की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में खूब मज़ा आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया है तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, कोई फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू वेरी मच।